हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एग्ज़ाम स्पेशल जीके की अपनी सीरीज़ का पार्ट 8। दोस्तों, ये सीरीज़ आपके लिए एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, एनटीपीसी और ग्रुप डी, साथ ही साथ जेई की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी। इससे पहले हमने 7 वीडियो और अपलोड किए हैं, यदि आपने वे नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस सीरीज़ में हम उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर रख रहे हैं जो कि रेलवे की परीक्षा में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। यहाँ आपको जितने भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे वो आपको प्रैक्टिस सेटों में देखने को मिलेंगे रेलवे के, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये एक सुपरफास्ट रिवीजन है, यानी कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? सही आंसर है फोरट्रॉन। वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म? तो वाईफाई का फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, फिडेलिटी। फोरट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका मतलब है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, WWW किसने बनाया था? तो इसको बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने। CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो CD को कॉम्पैक्ट डिस्क भी कहते हैं और ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो उसका नाम है अर्पानेट। राष्ट्रगान को पूरा गाने का समय कितना है? तो इसको 52 सेकंड में गाया जाता है, ठीक है, 52 सेकंड। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गए आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम गीत पहली बार कब और कहाँ गाया गया? तो ये 1896 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया था अरविंद घोष ने। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम स्वरबद्ध किसने बनाया? तो ये बनाया यदुनाथ भट्टाचार्य ने। याद रखिएगा, अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन यहाँ पढ़े हैं ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। किस बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में मान्यता मिली है? तो पैंथर टाइग्रिस, ठीक है, पैंथर टाइग्रिस, ये इसका साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों पाबोक्रिस्टेटस, ठीक है। राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए, इसका नाम है नीलम्बू न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए, कभी भी ऐसा नहीं कहता एग्जाम में कि हमारा राष्ट्रीय फल क्या है, ऐसे ही नाम आते हैं वैज्ञानिक नाम, ठीक है, मैनिगी फेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उसका नाम है फाइकस बेंथालेसिस। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है हमारा? तो ये है हाथी। बैंकिंग में ATM का अर्थ क्या होता है, यानी कि ATM का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो उसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुई थी? तो ये हुई इंग्लैंड में शुरू। मॉनिटर एक डिवाइस है, तो मॉनिटर आउटपुट होता है, ठीक है, आउटपुट। भारतीय साधारण बीमा निगम GIC ने कब काम करना प्रारंभ किया था? तो 1 जनवरी 1973 से। मूल्य वर्धित कर क्या है? एक अकेला कर जो अधिप्रभार पर्यावर्त आदि राज्य करों का स्थान लेता है। सैंडवेट का संबंध किससे है? तो सैंडवेट उत्पाद शुल्क होता है ये। ब्याज से संबंधित समापन अधिमान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे JM Keynes ने। अप्रत्याशित व्यय संसद की पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है? सही आंसर है भारत की आकस्मिक निधि से। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं व्यापार शेष। कौन भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि थर्ड? तो यह है वस्तुओं का परिवहन। अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो अचल संपत्ति तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। बैंक सेवा आर्थिक गतिविधि किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो आती है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत। गुलामगिरी का लेखक कौन था?
पुस्तक गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है? तो ये है भारत, बेल्जियम, स्पेन। श्रीलंका को किस साल स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र राष्ट्र बना था। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना है और उड़ीसा में है ये। सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे पुराना पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है असम। जन सूचना अधिकार एक्ट कब पारित हुआ? 15 जून 2005। ठीक है, 15 जून 2005। किस विद्वान को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है? सही आंसर है अरस्तू को। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए उपाय है? सही आंसर है वार्ता, मध्यस्थता और पंच निर्णय। फिनाइन से निकाला मिश्रण होता है, तो ये होता है NaOH+CaOH। भारत की संविधान की सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इसके अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही आंसर है 25 वर्ष। भारत में राज्य का चुनाव लड़ने के लिए यानी कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है 30 वर्ष। राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सही आंसर है महाभियोग। इसका यहाँ पर अनुच्छेद भी पूछा जाता है, तो इसका आर्टिकल है 61। ठीक है, महाभियोग का। मुद्रास्फीति किस कारण होती है? तो देखिए, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन ह्रास होता है। जब अतिरिक्त मान किसके बराबर होता है? अतिरिक्त मान निर्गत और आगत का अंतर कहलाता है। मुद्रास्फीति की अवधि में सबसे अधिक फायदा किसको होता है? तो ये होता है उद्यमी को। खपत का मनोवैज्ञानिक नियम बताता है, तो ये बताता है खपत में समानुपातिक वृद्धि आय में समानुपातिक वृद्धि से कम है। खदानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष शुरू किया गया? तो ये किया गया 1964 में। विश्व के देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश का सबसे अधिक सामान्य मार्ग है, तो ये है स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर होती है? तो उसको बोलते हैं संतुलन स्तर बिंदु। दुर्लभ मुद्रा किसे कहते हैं? तो ऐसी मुद्रा जो आसानी से सुलभ ना हो। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष इनके द्वारा प्रकाशित होता है, तो ये होता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? तो ये है जुलाई से जून। बढ़ते हुए प्रतिफल के अंतर्गत पूर्ति वक्र होता है, तो ये होता है बाएं से दाएं ऋणात्मक प्रवणता। किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत होती है, तो ये होती है त्यागा गया अगला सर्वोत्तम वैकल्पिक उत्पादन।